सो हेलो एंड वेलकम टू द वर्चुअल क्लासरूम ऑफ जाफरिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन क्लास 8th के कलर्स ऑफ रेनबो को जैसे कि हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम पे देखा कि किस तरह से द तो राइटर और उसकी बीवी में काफी एक फाइट होता है तो so उसके बाद आगे कहता है कि uh, कि मुझे मूड में देखते हुए क्या हुआ कि मेरी वाइफ किचन uh, चली गई और यह कहने लगी यू डोंट हैव टू ड्रिंक पॉइजन फ्रॉम माय हैंड तुम्हें मेरे हाथ से जहर पीने की ज़रूरत नहीं है तो उन से जहर पी लो जिनकी तुम्हें हमेशा फिक्र होती है तो ये सुन के मैं बहुत ही गुस्सेल हो गया ये मुझ पर एक इल्ज़ाम था मैं बड़ा गुस्से में उठ गया और मेरे अंदर बहुत कुछ निकल रहा था बहुत ही अंदर से गुबार पैदा हो रहा था और उसी टाइम मेरी माँ आई तुम दोनों क्यों झगड़ा करते हो और एक दूसरे को तकलीफ देते हो तुम लोग तुम अब बड़े ब, बड़े हो गए हो और तुम लोगों को अब अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि उन पे क्या तुम्हारे इन झगड़ों का असर पड़ेगा तो मैंने अपने जूते पहने और वहां से निकल गया मैं रात को बड़ा देर से आया क्योंकि मैंने सुबह का खाना खा लिया था और मैंने दोपहर का वक्त जो है सिनेमा हॉल में गुजारा शाम को मैं दोस्तों के साथ बैठा और इस तरह से मेरा गुस्सा कम हो गया अब मुझे घर की याद आने लगी और जैसे ही मैं घर चला गया बच्चे सो रहे थे ठीक है मेरी वाइफ अकेले वहां पे बैठी हुई थी जैसे ही ऐसुन ऐसा जैसे ही उसने मुझे देखा वो किचन में गई और वहां से खाने का थाली लेके आई मेरा गुस्सा चला गया था मर उसे लगा कि मैं अभी भी गुस्सा हूं क्योंकि उसे देखते हुए मुझे उसका मेरा गुस्सा चला गया था मगर क्योंकि वो अभी भी आ, उदास थी और उसे पश्चाताप हो रहा था मगर मैं अपना गुमान भी रखना चाहता था तो मैंने कहा कि मैं खाना नहीं चाहता हूं आ, मैं खाने के बगैर ही मर जाऊंगा तुमसे छुटकारा, छुटकारा भी मिल जाएगा मुझे और तुम्हें मुझसे छुटकारा भी मिल जाएगा मगर मैंने ऐसा किया कि मैं खाना खाने के बगैर चला गया था ऑन द अदर हैंड आ, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था उसका चेहरा ये बता रहा था क्योंकि वो बहुत कमजोर लग रही थी मगर मैंने अपने जो प्राइड को रखने के लिए प्रेटेंट किया कि मैं नहीं खाऊंगा उसका सर नीचे था और उसने मुझसे कहा कि मुझे माफ कर दो मेरी गलती है चलो खाना खा लो आ, नो आई एम ओनली वन टू ब्लेम आई वॉन्ट कि नहीं मैं जिम्मेदार हूं मैं नहीं खाऊंगा तो उसने कहा कि अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं कैसे खाऊंगा गुस्सा थूको खाने पे कैसा गुस्सा निकालना? तो मैंने वट वॉज सेट वॉज सेट एंड आफ्टर ऑल वट इज इट दैट आई सेट यू गेट तो जो हुआ वो हुआ आखिरकार मैंने ऐसा क्या कहा तुम जल्दी ही गुस्सा कर लेते हो आई डोंट नो वट हैज़ हैपन टू यू दिस डेज तुम आजकल बहुत ही गुस्सा करने लगे हो तो जाहिर सी बात है जैसे कि हमें पता है कि जो uh, राइटर uh, का जो सोशल सेटअप है कि वो बहुत प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा है और जो जाहिर से बात है इन चोटी -चोटी बातों से वो घुसैल होने लगा है तो उसने कहा कि मैं ही खाली नहीं तुम भी कभी कभार फजूल चीजों पे गुस्सा करने लगती हो इफ़ यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट हूँ अगर इस घर में रहना तुम्हें मुश्किल हो रहा है तो तुम्हारे फादर ने जब उस टाइम पे तुम्हें किसी अच्छे घर में शादी करने के लिए कहा था तो मैं वहीं किसी अमीर आदमी से शादी करनी चाहिए थी ठीक है जहाँ पे तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलता है तो उस, उसको थोड़ा सा पछतावा हुआ और उसने कहा कि चलो अब यहां आ जाओ खाना खा लो मुझे पैसों की जरूरत नहीं है और उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे नीचे रखा मेरे पास मेरे आ, वैसे भी मेरी कोई भूख नहीं थी बट मैंने ऐसा दिखाया कि जैसे कि बट आई कुड नॉट होल्ड बिफोर दिस रेमोन्स्ट्रेशन मगर मैं उसकी इस हरकत के आगे पिघल गया तो मेरा जो अंदर का जो वो था ईगो था वो थोड़ा थोड़ा टूटने लगा और मैंने अपने हाथ धोए और मैंने एक चपाती का टुकड़ा तोड़ा वो मेरे सामने आई और मुझे पंखा कर देने लगी मैंने वेजिटेबल के अंदर उस चपाती का टुकड़ा डाला और उसके चेहरे की तरफ देखा मुझे वो ऐसी लगी जैसे कि वो सीता मैया है मैं मैंने जो अपना हाथ है वो अचानक से उसकी तरफ चला गया मुझे खाने के बदले मेरा हाथ मेरी बीवी के मुंह की तरफ चला गया उसे खाना देने के लिए तो उसने मेरा अपना हाथ पकड़ लिया और उसने कहा कि पहले तुम खा लो तो मैंने आई पुस्ट माई हैंड अगेन टूवर्ड्स माउथ एंड मैंने अपना हाथ उसकी तरफ लिया अब तुम खा लो और उसके मुंह में वो रोटी का टुकड़ा डाल दिया तो उसने खाली वहां पे उस टाइम पे खाना ही खाली रोटी ही नहीं मुंह में डाला उसने मेरी उंगली को भी बाइट कर दिया और मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा तो मेरी आवाज सुन के उसने कहा कि चुप हो जाओ शोर ना करो बच्चे जाग जाएंगे तो हम उसके बाद जोर जोर से हंसने लगे दूसरी सुबह क्या हो गया कि मेरी बीवी ने मेरे लिए चाय लेके आई और मुन्नी जो थी वो बिट्टी को उठा रही थी और उससे कह रही थी बिट्टू से कह रहा था कह रही थी कि देखो उठ जाओ मम्मी और पापा एक दूसरे के साथ फिर से एक हो गए हैं और वो उनका झगड़ा खत्म हो गया है और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और वो जोर जोर से हंसने लगे आधे घंटे के बाद अब बात ले रहा था नहा रहा था मुन्नी कह रहे थे देखो बिट्टू दियर इज द स्विंग ऑफ गुड्डा गुड्डी इन द स्काई अगेन कि गुड्डा और गुड्डी का जो झूला है वो फिर से आसमान में नजर आ रहा है और बिट्टू ने कहा हा हाँ मुन्नी मगर आज जो इस गुड्डा और गुड्डी का जो रंग है ये बहुत ज्यादा ब्राइटर है यानी कि इसको तशबिया दिया है इन्होंने गुड्डा और गुड्डी को अपने मदर और अपने फादर से यानी कि आज वो उनका Uh, फिर से uh, uh, यह हो गया पैचअप हो गया है और वो तो यहाँ पे uh, uh, एक चीज ये है कि गुड्डा हमारे जिंदगी में हम इस तरह से गुड्डा और गुड्डी को uh, ड्रीम को हम वो नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से एक ड्रीम दिखाया गया है बच्चों को किस तरह गुड्डा और गुड्डी होते हैं हवा में तो हमारे जिंदगी में ये गुड्डा और गुड्डी ये खुशियाँ कहाँ से आती है हमारी जिंदगी में ये गुड्डा और गुड्डी की ये सतरंगी खुशियां हमारी जिंदगी से आती है हमारी जिंदगी में इतनी खुशियां होती है हमारे अपनों से होती हैं जिस तरह से इसमें लास्ट में दिखाया गुड्डा और गुड्डी को किस से रेसम्बल किया अपने अपने से अपने माँ बाप से तो हमारे आगे पीछे इसी तरह से रेनबोज की तरह बहुत डिफरेंट कलर्स हैं बट जरूरी यह है कि हमें रियलाइज हो कि लाइफ कितनी कितनी खूबसूरत है और कितनी रंग बिरंगी है और इससे हमें कितना अ खुशियां लेनी चाहिए और कितना फायदा लेना चाहिए Thank you very much for your patient listening.